5%. Assalamu alaikum. Good noon, everyone. I hope that you all will be doing good. Today we are going to discuss our new lecture, new topic, new understanding, new knowledge, and it is from the subject of management of PCC, physically challenged children, and course code for which I am talking about is SPERD 3132. So the topic that we have to discuss today, it is the last topic of chapter number 2, and it is about 2.11 walking aids and wheelchairs, and 2.12 the importance of posture and positioning. So these are the two topics that I would like to combine in this lecture. So I hope that you people will have the good learning also. So before starting the discussion, before starting the topic, I would like to get a review of previous lectures that we have discussed till now in chapter number 2. Isme jo sabse pehle humne discuss kiya tha वो चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन था, और उसके बाद हमने 2.1 हिप डिसऑर्डर्स डिस्कस किए, फिर हमने लिम्ब डेफिशिएंसीज डिस्कस की, उसके बाद हमने स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज डिस्कस की, फिर हमने मस्कुलर एट्रोफीज डिस्कस की, फिर हमने आर्थराइटिस डिस्कस किया, उसके साथ हमने मार्फन सिंड्रोम और एम्पिटिशन दोनों एक लेक्चर में डिस्कस किए, और उसके बाद हमने क्लब फुट लास्ट लेक्चर में हमने क्लब फुट और फिर मैनेजमेंट और एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस, ये जितने भी डिसऑर्डर्स थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इनके हवाले से हमने डिस्कशन की। अब फिर उसके बाद हमने उससे आगे वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि रोल ऑफ ये था रोल ऑफ अथॉरिटीज एंड ब्रेसेस, मतलब अब हम डिवाइसेस पे आ गए हैं लास्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम 2.11 डिस्कस करेंगे, और ये होगा वॉकिंग एड्स एंड व्हील चेयर, यानी कि ये भी एक डिवाइसेस है हमारे पास, असिस्टिव डिवाइसेस। और फिर हम डिस्कस करते हैं कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ, ये 2.12 है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ पोस्चर एंड पोजिशनिंग। सो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पहले वाले जो कुछ टॉपिक थे वो सिर्फ डिसऑर्डर्स के हवाले से थे, उसके बाद फिर हमने उनके मैनेजमेंट और एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस की बात की, फिर हमने उन डिवाइसेस की बात की जो कि इन डिसेबिलिटीज़ के साथ यूज़ की जाती हैं और की जा सकती हैं, और सबसे लास्ट पे हमने ये अब हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इन डिवाइसेस का यूज़ करते हुए इन डिसऑर्डर्स का शिकार जो बच्चे हैं या जो लोग हैं, वो इन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए किस तरीके से अपनी पोस्चर या पोजीशनिंग को मेंटेन करते हैं, उनके नज़दीक उस डिवाइस को यूज़ करते हुए अपनी पोजीशन कैसे, उसकी अहमियत क्या अहमियत है, उस पोस्चर को कैसे। तो आप ये देखेंगे ये चैप्टर 2 पूरा एक सीक्वेंस के साथ चीज़ों को एलैबोरेट कर रहा है, और हम इसी सीक्वेंस को ले करके आगे बढ़ेंगे। और मैं अपना लेक्चर, ये चूँकि हमारे पास एक प्रीव्यू हो गया है, एक हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जी हम ने क्या किया था और हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें हमारा रिव्यू प्लस प्रीव्यू दोनों शामिल थे। अब 2.11 वॉकिंग एड्स एंड व्हील चेयर, इसका जो एजेंडा जो मैंने आपके लिए सेट किया है वो ये है कि आफ्टर सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू, इस टॉपिक को कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे। इसके लिए हमने कुछ पॉइंट सेट किए हैं एजेंडा के, जो मैं चाहता हूँ कि आप उनको अंडरस्टैंड करें। नंबर 1, डिस्क्राइब वॉकिंग एड्स एंड व्हील चेयर, आप व्हील चेयर और वॉकिंग एड्स के बारे में श्योरली डिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर 2, डिफाइन द कैटेगरीज ऑफ
वॉकिंग एड्स की जो कैटेगरी हैं वो ईजिली आप डिफाइन करेंगे. नंबर थ्री, नो अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ पोस्चर एंड पोजिशनिंग. पोस्चर एंड पोजिशनिंग के हवाले से आप जानेंगे या जानते होंगे आप. नंबर फोर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोस्चर एंड पोजिशनिंग. पोस्चर एंड पोजिशनिंग का फ़र्क आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे. तो ये हमारे पास एक एजेंडा है जो कि मैंने सेट किया है इस टॉपिक के हवाले से. अब अगर इसके मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो इसकी डेफिनेशन में आ जाता है, वॉकिंग एड्स आर समटाइम्स आल्सो रेफर्ड टू एज एम्बुलेटरी असिस्टिव डिवाइसेस. तो वॉकिंग गेट्स क्या है, समटाइम इनको एम्बुलेटरी असिस्टिव डिवाइसेस भी कहा जाता है. मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये उस सेंस में बात की जा रही है. अच्छा, यहाँ पे जो एम्बुलेटरी डिवाइसेस के बारे में बात की, असिस्टिव डिवाइसेस की बात की जा रही है, कि ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको मॉडिफाई किया जाता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक. एम्बुलेटरी डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं, असिस्टिव डिवाइसेस, इनको मॉडिफाई किया जाता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक. तो जहन में रखें कि वॉकिंग एड एक डिवाइस नहीं है. वॉकिंग एड के अंदर कई ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं जो कि एक पेशेंट को इश्यू की जा सकती हैं, ताकि उनका जो वॉकिंग पैटर्न है, जिसको हम लोग गेट कहते हैं, GAIT, उसको इम्प्रूव किया जा सके और फिर उनका बैलेंस भी मेंटेन किया जा सके और फिर सेफ्टी भी इंश्योर की जा सके जब वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हों. तो वॉकिंग एड क्या है, आल्सो कैन आल्सो बी द मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग वेट फ्रॉम द अपर लिम टू द ग्राउंड. वॉकिंग एड जहन में रखें हमेशा एक ऐसी डिवाइसेस के तौर भी यूज़ किए जाते हैं कि जिसमें जो अपर बॉडी का जो वेट होता है वो ग्राउंड पर ट्रांसफ़र किया जाता है. ख़ासकर उन केसेस में जहाँ पे कम वज़न मतलूब होता है लोअर लिम के ऊपर. सो नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरीज ऑफ वॉकिंग एड्स. वॉकिंग एड्स फॉल इनटू मल्टीपल कैटेगरीज एंड इंक्लूड द फॉलोइंग. वर्ल्ड वॉकिंग एड्स कई तरह की कैटेगरीज में फॉल करते हैं और इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं. नंबर वन, केन और वॉकिंग स्टिक्स. अच्छा, इसमें एक छोटा सा नोट भी है कि डिस्टल टिप ऑफ द केन एंड क्रचेस शुड हैव अ रबर फेरिल टू प्रिवेंट द वॉकिंग एड फ्रॉम स्लिपिंग. अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ है कि जो वॉकिंग एड या जो स्टिक यूज़ की जा रही थी डिसेबल पर्सन की जानिब से, उसका जो हैंडल होता है वहाँ पे कोई एक लेदर टाइप होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी उसकी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप की जा सके. हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो है क्रचेस का. तीसरा है वॉकर्स का. क्रचेस बैसाखियाँ हैं, वॉकर्स ये यकीनन आपने देखा होगा. तो ये तीन कैटेगरीज हैं. नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है इस स्लाइड में, ये है प्रेस्क्रिप्शन. वॉकिंग एड्स द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ वॉकिंग एड्स शुड बी डन बाय द फिजियोथेरापिस्ट आफ्टर ए सॉरो
असेसमेंट ऑफ गेट बैलेंस कॉग्निशन एंड कार्डियोवैस्कुलर मस्कुलोस्केलेटल एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। ये जो वॉकिंग एड्स की प्रिस्क्रिप्शन है ये एक फिजियोथेरापिस्ट ही करता है और थारो असेसमेंट की जाती है वॉक की, चलने फिरने की, बैलेंस की, कॉग्निशन की, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की। असेसमेंट करने के बाद जो फिजियोथेरापिस्ट हैं वो उसको प्रेस्क्राइब करेंगे। असेसमेंट शुड ऑल्सो टेक अकाउंट इन 20 क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कोमोबिलिटीज। ये जो असेसमेंट होती है क्लिनिकली और इंडिविजुअली भी हो सकती है या उसकी जो डे टू डे इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके मुताबिक होती हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी एम्बुलेशन, नेविगेटिंग स्टेप्स या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये इन सारी चीज़ों की असेसमेंट होती है और उसका मकसद सिर्फ ये तीन चीज़ें होती हैं। और सोच इसलिए भी होती है कि क्या ये वॉकिंग एड टेम्परेरी है, टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल पोस्ट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के बाद, और ए मोर लॉन्ग टर्म ऑप्शन या काफ़ी लंबे अरसे के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल कि एक वॉकिंग फ्रेम अगर एक बूढ़े आदमी के लिए जिनकी मोबिलिटी रिड्यूस हो चुकी है किसकी वजह से, पोस्ट स्ट्रोक की वजह से, तो यकीन है ये एक लॉन्ग टर्म है। यहाँ पे जो फिजियोथेरापिस्ट हैं उनको अवेयर होना चाहिए कि वॉकिंग एड्स की जो परसेप्शन होती है ना वो किसी वक्त नेगेटिव भी होती है, क्योंकि ये ना हो कि इंडिविजुअल को ये महसूस हो रहा जिसको सजेस्ट की गई वॉकिंग एड परमानेंटली कि जनाब वो उसकी जो इंडिपेंडेंसी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस छोड़ दी और वो मुकम्मल वॉकिंग एड के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये एक लिहाज से डेंजरस भी है। और यकीनन फिर इस तरह के मामलात में वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो फिजियोथेरापिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो इंडिविजुअल के जो कंसर्न्स हैं उनको मद्देनज़र रखे विद सेफ्टी, सेफ्टी होनी चाहिए, एनकरेजिंग द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को इनक्रेज करना चाहिए टू कंसीडर द वॉकिंग एड कंसीडर करते हुए एज कीपिंग द मोबाइल एंड एबल टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली एक्टिविटीज़, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको शामिल करके रखना है। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, फॉलो अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट के बाद इसका फॉलो अप बहुत ज़रूरी है और प्रेस्क्राइब करते हुए भी, ताकि वॉकिंग एड्स को एडजस्ट किया जा सके ज़रूरत के मुताबिक। और अगरचे ये भी है कि ऐसी वॉकिंग एड जिसको इस्तेमाल करते हुए गिरने का अंदेशा हो उस वॉकिंग एड को इस्तेमाल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टर्स ऑफ वेट बेयरिंग स्टेटस विद एब्रीवेशन। ये एक स्लाइड है जिसमें कुछ एब्रीवेशन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
इसको ज़रा नोट करेंगे। जो वॉकिंग एड्स की जो बेसिक प्रिस्क्रिप्शन है दैट रिक्वायर्स नॉलेज, किस चीज़ का? नॉलेज ऑफ वेट, वेट बेयरिंग, जो कि पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया जाता है और बीइंग अलाउड बाय द प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम की जानिब से उसको देखा जाता है वो किस हद तक उसको रिलैक्स किया जा सकता है। फुल वेट बेयरिंग FWD, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और क्लाइंट जो 100% बॉडी वेट है वो अपने लोअर लिम्स पे डाल सकता है। दूसरे नंबर पे है नॉन वेट बेयरिंग, जिसको NWB भी कहते हैं। इसमें जो इन्वॉल्व लिम्ब होता है उसके ऊपर कोई वेट नहीं डाला जाता। उसके बाद है पार्शियल वेट बेयरिंग PWB, सिर्फ एक बॉडी का जो पोर्शन है वो सिर्फ किसी हद तक डाला जाता है, कंप्लीट नहीं डाला जाता वेट लोअर बॉडी पे। तो इसको यकीनन परसेंटेज में लिया जाता है। एग्जांपल 20% से 70% तक उसने जो है ना वज़न अपना नीचे वाली बॉडी पर डाला था, मतलब बॉडी का कुछ वज़न नीचे वाली बॉडी पर डाला जाता है। उसके बाद है टो टच वेट बेयरिंग TTWB। अच्छा, यहाँ पे बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो पेशेंट होता है उसके सिर्फ टोज ही ज़मीन को लग रहे होते हैं, वेट बेयरिंग एज टॉलरेटेड WBAT। ये जो वेट बेयरिंग होता है इस कंडीशन में वो पेशेंट की जानिब से टॉलरेंस का मुजाहरा किया जा रहा होता है। यानी कि ये लिमिटेड होता है। तो अगर इसके कंक्लूजन की बात की जाए कि जो प्रोवाइडर्स होते हैं वॉकिंग एड्स के, वो यकीनन केन या वॉकर के इस्तेमाल पे जोर दें ताकि इंजरी से प्रिवेंट हो जा सके, और ये मुमकिन है पेशेंट की एजुकेशन के ज़रिए और उसके साथ जो पर्सनल डेवलपमेंट्स है उसको प्रमोट किया जाए, और प्रॉपर वो फिट होना चाहिए और उसकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। इसमें डिवाइस एक्सेसिबिलिटी के लिए न्यू स्ट्रेटजीज की भी ज़रूरत पड़ती है और इसकी एक्सेसिबिलिटी के लिए तो यकीनन पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हील चेयर की। व्हील चेयर की डेफिनेशन देख लेंगे ज़रा। व्हील चेयर इज़ अ चेयर विद व्हील्स यूज्ड व्हेन वॉकिंग इज डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल ड्यू टू इलनेस, इंजरी, ओल्ड एज प्रॉब्लम्स और डिसेबिलिटी। कि ये दो वॉकिंग व्हील्स के साथ एक ऐसी डिवाइस है कि जो कि बीमारी, इंजरी या किसी और पर डिसेबिलिटी की वजह से जो है ना लोग चलने फिरने में डिफ़िकल्टी हो, जो चल ही ना सकते उनके लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन है जो कि एसोसिएटेड है इसी हेडिंग से ना, इसी डेफिनेशन से। अच्छा, इन प्रॉब्लम्स में मज़ीद मैं इजाफा करना चाहूँगा कि इन प्रॉब्लम्स में स्पाइनल कोड्स इंजरीज, पैराप्लीजिया, पैराप्लीजिया, हेमिप्लीजिया एंड क्वाड्रिप्लीजिया आर इंक्लूडेड, ब्रोकन लेग, सेरिब्रल पॉल्जी, ब्रेन इंजरी, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ब्रिटल बर्न्स डिजीज, मोटर न्यूरॉन डिजीजेस जो कि स्टीफन हॉकिंग को थी, जिसको MND, मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS,
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी MD, स्पिना बोफिडा और काफ़ी ज़्यादा। ये सारे डिस्क्रिप्शन है जो कि एसोसिएटेड हैं डेफिनेशन के साथ। आगे अगर हम इसके छोटे से इंट्रोडक्शन पर नज़र डालें, व्हील चेयर कम इन वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्मेट, व्हील चेयर मुख्तलिफ तरह के फॉर्मेट में आते हैं। टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ देयर यूजर्स, अपने जो यूजर्स की जो स्पेसिफिक नीड्स हैं ना उनको मीट करने के लिए। दे मे इंक्लूड स्पेशलाइज्ड सीटिंग अडॉप्टेशन, स्पेसिफिक सीटिंग अडॉप्टेशन की जाती है उनकी सीटिंग में। इंडिविजुअल कंट्रोल करते हैं और किसी भी एक्टिविटी के लिए उनको पर्टिकुलर किया जाता है। जिस तरह हम स्पोर्ट्स की व्हील चेयर्स में देखते हैं कि उसमें स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन की जाती है ना, या बीच पे जो व्हील चेयर चलती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनमें स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन की जाती है। सबसे ज़्यादा जो डिफरेंट देखने में मिलता है वो पावर्ड व्हील चेयर में है जो बिजली से चलती हैं, जिसमें बैटरीज या इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ की जाती है ना। और मैनुअली प्रिपेयर्ड व्हील चेयर्स तो वो होती हैं कि जिनको पीछे से पुश किया जा रहा था, एक अटेंडेंट पीछे होता है और वो उसके पीछे से हैंडल ग्रिप करके उस व्हील चेयर को पुश करता है। यानी कि सादा लफ्ज़ों में इसमें प्रोपल्सिव फोर्स प्रोवाइड की जाती है। अब प्रोपल्सिव फोर्स दो तरह की होती है, एक वो पेशेंट खुद है अपने बाजू से अपर लिम्ब इंट्रैक्शन से जना व्हील्स को घुमाए, या दूसरा जो प्रोपल्सिव फोर्स होती है पीछे से कोई अटेंडेंट आके उसको पुश करे। तो जो बंदा पेशेंट खुद वो कर रहा था उसे कहते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड। तो ये हमारे पास एक डिस्कशन है व्हील चेयर्स के हवाले से। तो मुझे उम्मीद है दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। वॉकिंग एड और व्हील चेयर के हवाले से हमने अपनी डिस्कशन कंप्लीट की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2.12, द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड पॉस्चर एंड पोजिशनिंग। यहाँ पे हम पोजिशनिंग और पॉस्चर का फ़र्क, पॉस्चर और पोजिशनिंग का जो फ़र्क है हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, उस कॉन्सेप्ट को लेंगे। डेफिनेशन की बात करेंगे पॉस्चर की। डेफिनेशन ऑफ पॉस्चर, पोस्चर की डेफिनेशन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, जो मैं अपने लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करूँगा। द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी एंड इट्स लिम्ब, बॉडी और इट्स के लिम्ब की जो अरेंजमेंट है वो पोस्चर कहलाती है। वेरी सिंपल, आपको कुर्सी पे बैठना और आपके बाजू का कहाँ पे होना है, आपकी टांग का कहाँ पे होना है, बैठने के दौरान आपकी गर्दन कैसे होगी, आपका बैली कैसे होगा, आपकी थाइस कैसे होंगी, ये सारा क्या है, पोस्चर है। आप इन चीज़ों को अरेंज करके रखेंगे, दिस इज़ कॉल्ड पोस्चर। वेरी सिंपल। इसके इंट्रोडक्शन में आते हैं। मेंटेनिंग अ गुड पोस्चर इज वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करना टू योर ओवरऑल हेल्थ, आपकी ओवरऑल सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह एक हेल्दी डाइट ज़रूरी होती है, इस तरह एक हेल्दी पोस्चर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे इंसान बहुत अच्छे तरीके से सो सकता है। अगर आपको पोस्चर सोने के दौरान ठीक नहीं है तो बंदा जब उठता है तो बंदा कहता है मेरे बाजू में दर्द है, मेरी गर्दन में दर्द है, मेरी कमर में फलां पे कोई ऐसे रग जो है ना वो उसमें स्वेलिंग हो चुकी है। वजह क्या होती है, नींद के दौरान आपका पोस्चर बदल जाता है। एंड एक्सरसाइजिंग, बाज़ात एक्सरसाइज करते हुए वो होता है कोई प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से कहते हैं कि सेल्फ एक्सरसाइज करने से बेहतर है कि किसी ट्रेनर से हेल्प लें। इट इंश्योर्स दैट योर बॉडी इज़ वेल पॉइज्ड टू अंडरटेक डेली टास्क विद मोर विगर, विद मोर विगर एंड एनर्जी। कि अच्छा, इससे ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी जो बॉडी है उसके वो बेहतरीन तरीके से उसके पॉइज्ड हो चुके हैं, मतलब बेहतरीन पोस्चर बहुत अच्छी जगह पे। क्यों? ताकि उसके जो डेली टास्क हैं बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किए जा सकें।
और जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी शामिल हो, और ये चीज़ आपको ऑल द वायर कीपिंग अवे फ्रॉम फटीग, ये चीज़ आपको थकावट से भी बचाते हैं। हमारी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ के लिए ये कोर पिलर है। तो अब हम देखते हैं कि पॉस्चर है क्या और कौन इसे मेंटेन कर सकता है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बना, व्हाट इज पॉस्चर एंड हाउ कैन वन मेंटेन इट। पॉस्चर इज बेसिकली द पोजिशन वी होल्ड आवर बॉडीज इन वाइल स्टैंडिंग, सीटिंग, इवन वेन लाइंग डाउन। जैसे मैंने आपको चेयर की एग्जाम्पल दी, हम चेयर पे बैठे होते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं सिटिंग, स्टैंडिंग या लाइंग, बैठना, खड़े होना या लेटे रहने की जो पोजिशन होती है ना, जो हमारी बॉडी करती है, बनाती है, दैट इज कॉल्ड पॉस्चर। अ गुड पॉस्चर इंश्योर्स दैट, एक अच्छे पॉस्चर से इंश्योर यकीन ये होता है दैट दैट आवर बॉडी इज सिमेट्रिकली अलाइंड। हमारी जो बॉडी है वो सिमेट्रिकली अलाइंड है, सीधी है। अब हम ये देखेंगे कि सिमेट्रिकल क्या चीज़ है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है सिमिलैरिटी इन साइज एंड शेप इन रिलेटिव पोजिशनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कि हमारी जो पोजिशन होती है सिमेट्रिकली अलाइंड का मतलब है कि हमारी जो बॉडी है और हमारे जो बाजू या ऑर्गन्स हैं, फिजिकल ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर एक तरतीब है, उसमें मसल्स भी शामिल हैं, एंड मस्कुलर टेंशन इज जस्ट अबाउट राइट, और हमारे जो मसल्स हैं वो ठीक पोजिशन में हैं। और इस तरह एक अच्छे पोस्चर को मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। अब सवाल ये है, व्हाई मेंटेन अ गुड पोस्चर ? पहले हमने देखा व्हाट इज़ गुड पोस्चर, अब हम देख रहे हैं व्हाई। तो इस वाले से हम अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करेंगे। सस्टेनिंग ए बिग गुड पॉस्चर इज़ द बिग पार्ट ऑफ अवर लाइफ, एक अच्छा पॉस्चर मेंटेन करना हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और ख़ासकर जो हमारी सेहत है उसका। इट इंश्योर्स दैट, इससे ये इंश्योर होता है कि हमारी जो बोन्स हैं वो वेल अलाइंड हैं विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बाकी जिस्म के साथ। While the tension in your body and ligaments is proper distributed, और हमारी जो body या हमारे जो muscles का खिंचाव properly distributed होता है, बैलेंस होता है। मजीद ये कि ये बॉडी पार्ट्स को उनकी rightful position में रखते हैं और उन पार्ट्स के ऊपर स्ट्रेस बहुत कम होता है, मिनिमल होता है। अब देखते हैं कि गुड पोस्चर से होता क्या है। नंबर वन, enable muscles to coordinate in more efficient manner, कि हमारे जो muscles होते हैं ना वो इसके इस कबल करते हैं good postures, कि वो बहुत अच्छे तरीके से आपस में coordinate कर सकें और effective manners में, और ensuring the body uses the less energy, और ये ensure करते हैं कि हमारी जो body है उसकी energy कम से कम लग रही है। therefore या thus eliminating the muscles fatigue, muscles की जो fatigue होती है, थकावट होती है, वो eliminate हो जाती है। ये allow करती है किसी भी individual को कि किसी काम को वो लंबे अरसे के लिए कर सकता है और उसमें minimum उसकी थकावट होती है। Number two, होल्ड द स्पाइनल जॉइंट्स, स्पाइनल जॉइंट्स को होल्ड करते हैं गुड पॉस्चर्स इन प्लेस, एक ही जगह पे,
विच इज़ इम्पॉर्टेंट, विच इज़ एसेंशियल इन मेंटेनिंग अ गुड पोस्चर्स, और ये गुड पोस्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम स्ट्रेस अगर हो ना लिगामेंट्स पे, जो कि हमारे जो स्पाइनल जॉइंट्स होते हैं उनके साथ अलाइंड होता है, द पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी इज ग्रेटली मिनिमाइज। इंजरी का जो चांस होता है, जो पॉसिबिलिटी होती है, वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है। नंबर 3, एड्स इन प्रिवेंटिंग बैक एंड मस्कुलर पेन। अच्छा जी, हेल्प करता है कि मस्कुलर पेन ना होने पाए, गुड पॉस्चर्स। ऑल विच आर द साइंस ऑफ पुअरली रिलैक्स्ड बॉडी। तो ये साइंस है पुअरली रिलैक्स्ड बॉडी के, तो ये बाकी जो बीमारियां होती हैं तो बाकी जो एलिमेंट्स या बीमारियां होती हैं उनके चांसेस को बहुत रिड्यूस करते हैं, किसी हद तक एलिमिनेट करते हैं, और जो इनके साथ एसोसिएटेड भी होती हैं। नंबर 4, डिक्रीजेस द एबनॉर्मल वेयरिंग ऑफ जॉइंट्स बाय कीपिंग देम एंड द बोन्स प्रॉपरली अलाइंड। एबनॉर्मल हमारे जो जॉइंट्स का जो एबनॉर्मल वेयरिंग होता है ना, उसको ये डिक्रीज करते हैं, और हमारी जो बोन्स होती हैं उनको प्रॉपर अलाइंड रखते हैं, सीधे रखते हैं, डायरेक्शन में प्रॉपर डायरेक्शन में रखते हैं, गुड पोस्चर्स। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ गुड पोस्चर, गुड पोस्चर बनता कैसे है। सस्टेनिंग अ गुड पोस्चर should not be taken to be a massive mental task। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि गुड पोस्चर कैसे मेंटेन किया जा सके, या कोई जहनी दबाव वाला काम नहीं है और कॉन्स्टेंट बॉदर मुस्तकिल प्रॉब्लम हो। दर हकीकत द बॉडी इज़ डिज़ाइन टू मेंटेन अ गुड पोस्चर्स। इंसान की जो बॉडी है वो डिज़ाइन ही ऐसे की गई है कि वो एक अच्छे पोस्चर को डिवेलप कर सके, via certain muscles, मखसूस muscles के ज़रिए। अगरचे कोई बंदा या कोई भी इंडिविजुअल है वो बहुत अच्छी तरह आगाह होता है कि उसने अपने muscles को किस तरह एक जो मखसूस जो डिग्री है उसमें मेंटेन करके रखना है, तो इसमें नीचे कुछ टिप्स हैं जो मैं अभी बताता हूँ कि वो आपको एक अच्छे posture को मेंटेन करने में कितनी कैसे मदद कर सकते हैं। नंबर 1, सिटिंग प्रॉपरली, बहुत अच्छे तरीके से बैठा जाए। इंश्योर दैट योर फीट आर ऑन द फ्लोर, ये ज़रूर इंश्योर करें कि आपके जो पाँव हैं वो ज़मीन पर ही होने चाहिए। और ऑन अ फुट रेस्ट रैदर देन हैंगिंग मिड एयर, कीप योर नीज और बिलो योर हिप, मेंटेन रिलैक्स शोल्डर and your forearm at a parallel position to the ground, and your have backrest support to the entire back। वैसे by the way कि इसमें ये बताया गया है कि आपके जो पाँव हैं वो बिल्कुल ज़मीन पे होने चाहिए या फुट रेस्ट पे होने चाहिए, आपके जो forearm हैं वो ज़मीन के साथ इन लाइन होने चाहिए बिल्कुल सीधे, और आपकी जो कमर है वो चेयर की जो बैक है, बैक ऑफ द चेयर है, उसके साथ आपकी जो बैक है स्पाइनल कॉर्ड वो टच होनी चाहिए। अब ये गुड पोस्चर मेंटेन करने की बेहतरीन एग्जांपल है, कंधे भी आपके झुके नहीं आने चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको प्रोफेशनली एक टेक्निक भी सजेस्ट करूँगा, दिस इज़ द टेक्निक फॉर योर इंटरव्यू। जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे यही टेक्निक होती है जो यकीनन मैं सिखाता हूँ उस पर, यू हैव टू मेंटेन अ गुड पोस्चर्स, और इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार, दिस इज़ अ गुड साइकोलॉजिकल पोजिशन एज वेल। नंबर 2, स्टैंडिंग प्रॉपरली, and so that your weight is borne by the
सोल्स ऑफ योर फीट, के जहन में रखें कि और ये आपने इंश्योर करना है कि आपकी बॉडी का जो वेट है वो आपके पाँव के सोल तक होना चाहिए, यानी कि बैलेंस होना चाहिए। और आपके पैरों का जो दरमियानी फासला है वो 4 से 5 इंच तक होना चाहिए। ये पॉइंट है एमसीक्यू का, नोट डाउन कर लेंगे। टक योर स्टमक इन, और आपका जो पेट है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। एंड हैव योर हैंड्स हैंगिंग नेचुरली द बॉडी साइड्स, और बॉडी के दोनों तरफ आपके हाथ लटके होने चाहिए। ये जो कंडीशन है, ये जो पोस्चर है, ये स्ट्रेट और टॉल लंबा पोस्चर होगा जो कि आपको बैलेंस पर्सनैलिटी शो करेगा। नंबर 3, प्रेफरेबल लाइंग पोजीशन। अब देखते हैं लेटने वाली पोजीशन कौन सी प्रेफरेबल है। अ मेजर सीक्रेट टू स्लीपिंग राइट इज हैविंग ए गुड एंड कंफर्टेबल मैट्रेस। अच्छा, अगर आप राइट करवट पे सोते हैं तो उसका जो मेन सीक्रेट है वो ये है कि एक अच्छा और कंफर्टेबल मैट्रेस होना चाहिए। अगर आप कोई सख्त किस्म का मैट्रेस अपने सोने के लिए चूज़ करेंगे, फोम वगैरह या मैट्रेस, कुछ किसी हद तक तो ठीक है, और अगर आप मज़ीद नरम को पसंद करते हैं तो भी ये ठीक है। ऑलवेज सपोर्ट योर हेड विद पिलो, हमेशा आपके सर के नीचे एक तकिया होना चाहिए जो कि थोड़ा एलिवेटेड पोजीशन में हो टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी, आपकी बाकी बॉडी से, टू एड इन ब्लड सर्कुलेशन। जहन में रखें जब हम कोई ऊंचा तकिया रख के बेड के ऊपर सोते हैं राइट करवट पे, तो एक तो हमारा जो मैट्रेस है वो हमारी मर्जी का होना चाहिए, या सख्त हो, हार्ड हो, उसमें भी हम कंफर्टेबल फील करते हों, और या अगर हम नरम पसंद करते हैं तो ना जो हम पसंद करते हैं वही होना चाहिए। तकिया हमारे सर का, हमारी जो बॉडी है, जो हमारे सर के नीचे जो पिलो होता है वो हमारी बॉडी से थोड़ा सा ऊंचा हो ताकि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहाल रहे। एंड अवॉइड लाइंग ऑन योर स्टमक, ये मेन पॉइंट है, यानी कि उल्टा नहीं सोना है, उल्टे सोने से बचना है, अपनी स्टमक को नीचे आपने नहीं दबाना है। नेक्स्ट हमारे पास, चूंकि अभी तक हमने पोस्चर को डिस्कस किया है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा पोजीशनिंग को। पोजीशनिंग है क्या? पोजीशनिंग इज इंपॉर्टेंट इन रेस्पिरेटरी फिजियोथेरापी टू मैक्सिमाइज ब्रीदिंग एंड एनकरेज सेक्रेशन, जिसको हम लोग फ्लेम कहते हैं, टू मूव अप फ्रॉम द बेसिस ऑफ द लंग्स अप इन टू द लार्जर एयरवेज सो दे कैन बी कॉफ्ड आउट। पोजीशनिंग क्या है? पोजीशनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है सिर्फ हमारी रेस्पिरेटरी फिजियोथेरापी में। आपको पता है कि फिजियोथेरापी, वैसे तो कहते हैं कि फिजियोथेरापिस्ट कराता है, लेकिन रेस्पिरेटरी फिजियोथेरापी ऐसी है जो हम खुद करते हैं। मोस्टली मेरी अपनी एक रूटीन है कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह की नमाज के बाद 10 या 15 मिनट के लिए लंबे लंबे सांस लेने, और मोस्टली आई थिंक लोग करते हैं गुड हेल्थ के लिए। नाक से क्या कहा जाता है कि नाक से सांस लें, उसको थोड़ी देर रोक के रखें, 5, 6, 7 सेकंड तक, 8 सेकंड तक, जितना आप रोक सकते हैं, जितना आप स्टमक बेयर करता है, फिर आप उसको मुंह से आहिस्ता आहिस्ता निकालें। इसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी फिजियोथेरापी। इससे क्या होता है कि एक तो ये है कि आपका जो लंग्स है वो फ्रेश ऑक्सीजन के काबिल हो जाता है, नंबर 2 इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहाल होती है, और नंबर 3 कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है, तो आपकी बॉडी की एक ओवरहॉलिंग हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी फिजियोथेरापी। एंड द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ फिजियोथेरापी इज अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हेन देयर इज नो नॉइज, व्हेन देयर इज नो पोल्यूशन, आल्सो यू कैन गेट फ्रेश ऑक्सीजन इन द मॉर्निंग। सो आई डू एंड आई सजेस्ट टू यू पीपल आल्सो टू डू दिस एंड टू हैव गुड एक्सपीरियंस।
इसमें क्या होता है, हमारी जो ब्रीदिंग है वो मैक्सिमाइज होती है, जो कि मैंने पहले आपको बताया, एंड एनकरेज सेक्रीशन, और हमारे जो लंग्स है उसकी जो है ना एक प्रॉपर सेक्रेशन हो रही होती है, जो वहाँ पे जो एयर की जो मूवमेंट है, और उसमें हमारे जो लंग्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हवा को ले रहे होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो आ रही होती है वही फिर निकल रही होती है लंबे लंबे सांस लेने से, और फिर उसको बाहर बहुत अच्छे तरीके से निकाला जा सकता है। ये जो यहाँ पे अब मैं अगली बात करता हूँ, जो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, ये बहुत सारी असेसमेंट टेक्निक्स, दे कैन यूज़ द नंबर ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स टू डिसाइड विच पोजिशनिंग वुड बी इफेक्टिव, कि ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी, ये जो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरापिस्ट होते हैं ये सबसे पहले असेसमेंट करते हैं कि फिजियोथेरापी के लिए कौन सी टेक्निक बेहतरीन होगी, मीन्स कौन सी पोजिशन बेस्ट होगी। इन टेक्निक्स में क्या क्या शामिल है, नंबर वन ऑब्जर्वेशन, नंबर टू ऑस्कल्टेशन, नंबर थ्री परकशन, नंबर फोर चेस्ट रिव्यू, नंबर फाइव मेडिकल हिस्ट्री। तो ये फाइव पॉइंट्स हैं, जो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरापिस्ट हैं वो इन फाइव पॉइंट्स को बतौर असेसमेंट यूज़ करते हैं, और स्टूडेंट्स मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगा कि ये फाइव पॉइंट्स हैं, इनको एज एन असाइनमेंट्स लें, कि ऑब्जर्वेशन क्यों की जाती है नंबर वन, नंबर टू ऑस्कल्टेशन क्या चीज़ है, परकशन क्या चीज़ है, चेस्ट रिव्यू क्या चीज़ है, मेडिकल हिस्ट्री। इन फाइव को आपने एक पैराग्राफ की सूरत में डिस्कस करना है, क्रिएटिव राइटिंग की मदद से इनको लिखना है, और यकीनन ये आपके असाइनमेंट एक बहुत बेनिफिशियल होगी, एंड दिस विल बी डिमांडेड एज वेल ऑन टाइम। सो इन असेसमेंट पे डिपेंड करते हुए जिसकी जो फाइंडिंग्स आती हैं, तो बहुत सारे ऐसे पोजीशनिंग के सिस्टम या जो समझें पोजीशनिंग के तरीके सामने आ जाते हैं जो कि एडवाइस किया जाते हैं, ताकि जो प्रपोज्ड गोल्स हैं, जो पहले से सेट गोल्स थे फिजियोथेरापी के हवाले से, उनको अचीव किया जा सके। कॉमन गोल्स कौन कौन से हैं, हम ज़रा उसको देखते हैं। नंबर वन ओपनिंग अप सेक्शंस ऑफ द लंग्स, लंग्स के जो ओपनिंग है उसको देखना है, दैट साउंड क्वाइट ड्यू टू रिड्यूस एयर फ्लो, कम हवा आने की वजह से जो लंग्स के जो एयरवेज होते हैं वो क्लोज होते हैं, इस वजह से उनको ओपन किया जाता है, खोला जाता है। नंबर टू एनकरेजिंग सेक्रीशन डिस्ट्रीब्यूशन अप एंड ऑफ द लंग्स, लंग्स के अंदर जो एक सेक्रेशन होती है उसको प्रोबेबल किया जाता है। नंबर थ्री मेंटेनिंग कंफर्ट, कंफर्ट आसानी को मेंटेन किया जाता है। नंबर फोर मैक्सिमाइजिंग परफ्यूजन्स, परफ्यूजन कहते हैं गैस एक्सचेंज को ना, कि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और मुख्तलिफ गैसेस खारिज होती हैं। नंबर फाइव रिड्यूसिंग वर्क ऑफ ब्रीदिंग, जिसको हम लोग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी कहते हैं ना। नंबर सिक्स मैक्सिमाइजिंग वेंटिलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं गेटिंग एयर इनटू द लंग्स। तो ये सिक्स पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एज अ गोल्स होते हैं फिजियोथेरापिस्ट के, जनाब उसने ये गोल्स अचीव करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दीज आर। अब जो पोजीशंस होती हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी फिजियोथेरापिस्ट यूज़ कर सकते हैं वो कौन सी हैं, नंबर वन स्पाइन लाइंग, यानी कि लाइंग ऑन योर बैक, कमर के बल लेटना, इसको कहा जाता है स्पाइन लाइंग, कमर के बल लेटना स्पाइन लाइंग, SUPIN स्पाइन लाइंग। नंबर टू
प्रोन लाइंग, लाइंग ऑन योर फ्रंट मतलब सीने के बल या पेट के बल लेटना, उसे कहते हैं प्रोन लाइंग। नंबर 3 साइड लाइंग, करवट के बल लेटना। नंबर 4 अल्टरनेट साइड लाइंग मतलब दूसरी करवट के बल लेटना। नंबर 5 सिटिंग। नंबर 7 स्टैंडिंग। तो ये 7 पोजीशन है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी फिजियोथेरापिस्ट यूज़ करती हैं वाइल हैविंग द फिजियोथेरापी थेरापीटिक अप्रोचेस। अच्छा, जहाँ पे पिलोज भी यूज़ किए जाते हैं या वेजेस भी यूज़ किए जाते हैं, वेजेस गठड़ी को कहते हैं ना, वो बताओ टूल काम करते हैं कि इसके लिए हमारे रेस्पिरेटरी फिजियोथेरापिस्ट के लिए, वो इनको एज अ टूल यूज़ करते हैं कई वजूहात की वजह से। और ये वजूहात कौन सी हैं? नंबर 1 टू एनहांस कम्फर्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम्फर्ट को एनहांस किया जा सके। नंबर 2 to hold you into a particular positions. This is particular in patients who are unable to readjust their position independently or unable to hold a position for a sustained period of time. So, इसमें ये भी होता है कि वो आपको एक मखसूस पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं, खासकर उन मरीज़ों के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल है जो अपनी पोजीशन को बार बार मेंटेन नहीं कर सकते, प्रॉब्लम में होते, तो उनके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है। नंबर 3 टू पोजीशन लिम्ब अप्रोप्रिएटली, आपके जो बॉडी जो लिम्ब्स होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पोजीशन करना। टू मैक्सिमाइज चेस्ट एक्सपेंशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट को सीने को फुलाया जा सके। अब आगे क्वेश्चन है छोटा सा इस स्लाइड में, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पोजीशनिंग इन रेस्पिरेटरी फिजियोथेरापी। रेस्पिरेटरी फिजियोथेरापी में पोजीशनिंग का बेनिफिट क्या है? अगर इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो उसमें नंबर 1 पे आता है रिक्वायर्ड लिमिटेड स्लैश नो एफर्ट, उसमें कोई एफर्ट नहीं है जो पेशेंट की जानिब से ना। नंबर 2 पोजीशन कैन बी मॉडिफाइड टू रिड्यूस द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये जो पोजीशन है जो मॉडिफाई की जाती है ताकि जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है ना, सांस लेने की जो शॉर्टनेस है उसको कम किया जा सके, जो किसी और पोजीशन की जानिब से सामने आ सकती है। नंबर 3 कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए बहुत कंफर्टेबल होती है ड्यू टू इट्स नॉन इन्वेसिव नेचर, इसकी नॉन इन्वेसिव नेचर की वजह से। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वुड बेनिफिट फ्रॉम पोजिशनिंग फॉर अ रेस्पिरेटरी कंडीशन। रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से किसको फायदा होगा? कोई भी पेशेंट जिसको रेस्पिरेटरी कंडीशंस का मसला होगा, वो इसलिए असेस किया जाएगा फिजियोथेरापिस्ट की जानिब से, ताकि उसको एडवाइस किया जा सके बेस्ट पोजीशनिंग के लिए। पोजीशनिंग पर्टिकुलरली बेहतरीन टेक्निक है एक, और इसको एज ए पैसिव टेक्निक भी कहा जाता है ना, एक एक्टिव टेक्निक होती है, दूसरा पैसिव टेक्निक होती है, उन लोगों के लिए जो अनेबल होते हैं किसी भी एक्टिव फिजियोथेरापी टेक्निक में पार्टिसिपेट करने से। जो लोग नहीं कर सकते किसी एक्टिव फिजियोथेरापी टेक्निक में, तो उनके लिए पोजीशनिंग बेहतरीन है और ये पैसिव टेक्निक होती है। और किस वजहात से ये होती है बेहतरीन? नंबर 1 जिन लोगों को पैरालिसिस होता है उनके लिए पोजीशनिंग बेहतरीन है। नंबर 2 जो वीकनेस, जिनको कमज़ोरी होती है। नंबर 3 न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। नंबर 4 एक्यूट इलनेस, शदीद बीमारी की सूरत में। नंबर 5 फटी, शदीद थकावट की वजह से। नंबर 6 लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, जिनको कॉम्प्रिहेंशन का इशू होता है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि पोजीशनिंग में कंसीडर होते हैं। आई होप दैट यू पीपल हैव गुड अंडरस्टैंडिंग।
Thank you very much for your listening and understanding.